बारे में कुछ पीछे सोचते हो। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे और बहुत मस्त होंगे। आपने पिछली बार वीडियो में हमारी जो कार की पूजा की वीडियो देखी थी, उसमें कुछ पार्ट अधूरे रह गए थे। सो दोस्तों, मैंने आपको पूरी नहीं दिखा पाया, तो इस वीडियो में आपको कंप्लीट हमारी कार की पूजा की वीडियो दिखाई जा रही है। वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा दोस्तों। आपको इस वीडियो में कुछ अलग ही देखने को प्राप्त होगी। जब हमारी कार की पूजा हो रही थी तो ऐसा कुछ हो गया, क्योंकि हम लोग अचंभित रह गए। ये सोचा नहीं था कि ऐसा हो सकता है। जो नानी है, उनके शरीर में महादेव जी का प्रवेश आ गया और हम लोग तो काफ़ी डर गए कि पता नहीं क्या हो गया इनके शरीर में। आपको आगे वीडियो में देखने को मिलेगी दोस्तों, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए ध्यान से देखिएगा। वैसे भी दोस्तों, मेरी नानी बहुत अच्छी और बहुत प्यारी है। मैं आपको नानी की एक खास बात बताना चाहता हूँ कि नानी जो मेरी है, वो काफ़ी पूजा पाठ में ध्यान देती है और वो बहुत पवित्र दिल की है। वो कभी किसी का आज तक बुरा नहीं चाहती है। यदि उनके साथ कितना भी कोई बुरा क्यों न कर दे, वो उन सबों को वो बहुत प्यार करती है। और यही वजह है कि भगवान जी इनको जो है बहुत प्यार करते हैं। और हमारे घर की जितनी भी सुख सुविधाएं हैं और हम सब इतने खुश रहते हैं, वो सब मेरे नानी के कारण है। क्योंकि नानी हम सबों के घर के, वो कहते हैं ना कि एक जो पेड़ होती है उनके जड़ें यदि खोखले हो जाएं तो शायद वो पेड़ स्थिर नहीं रहते हैं। तो कुछ ऐसा ही हमारे घर में है। हमारी घर की भी जड़ है वो नानी हमारी है, और इनके ही पूजा पाठ और आशीर्वाद की वजह से हम समझ के पूरे घर की काफ़ी रक्षा होती है। हमारे जीवन में ना जाने कितने कितने मुसीबतें आई, लेकिन हमारे नानी की वजह से और इनके पूजा पाठ की वजह से हमारे घर के सारी मुसीबत और सारे संकट हमेशा हमेशा के दूर हो गए। और हमारे घर इतनी बड़ी जो खुशियाँ प्राप्त हुई है, ये इनके ही कृपा दृष्टि है। ये इनका ही प्यार और आशीर्वाद है कि आज हम सब पूरे परिवार इस खुशियों की घड़ी में सब साथ मिलकर एक साथ बाबा वैद्यनाथ धाम के दरबार में पूजा याचना करने के लिए आए हैं। काफ़ी खुशी प्राप्त होती है दोस्तों। बाबा जी तिलक लगा रहे हैं, मोहम्मद स्वास्थ्य के चित्र बना रहे हैं, मासी भी मेरे साथ में है, मासी देख रही है। मासी मेरे बहुत प्यार करती है, हम सबको बहुत हम सबों का ख्याल रखती है। हम लोग पूरे परिवार इस कार में बैठ कर आ गए दोस्तों, काफी अच्छा लगता है। ऐसे हमारे घर में दो छोटी छोटी गाड़ियां हैं हुंडई की, लेकिन उसमें सफिशियंट नहीं होते थे हम सभी, कभी दूर जाना पड़ता था तो काफी प्रॉब्लम हो जाती थी। तो सभी की इच्छा हुई चलो घर में बड़ी कार होनी चाहिए, सबों का आशीर्वाद और प्यार की वजह से बड़ी कार भी हमारे घर में आ गई। अब हम सब कहीं भी जाते हैं तो साथ नहीं जाते, चाहे कोई पार्टी हो, फंक्शन कहीं भी जाना हो तो हम सब साथ में जाते हैं।
ओम का चित्र बना रहे हैं पंडित जी। दोपहर के समय है दोस्तों और काफ़ी तीखा धूप है। हम सबों ने किसी ने भी एक अन्न के दाना भी नहीं खाई है। जब तक हम बाबा के दर्शन नहीं कर लेंगे और हमारी पूजा संपन्न नहीं जाती है तब हम सब खाना पीना नहीं खाते हैं। हमारे कार की पूजा हो जाएगी फिर बाबा का दर्शन करने चलेंगे और बाबा का दर्शन करने के बाद फिर सभी एक साथ मिलकर खाएंगे। हमारी दोनों छोटी बहनें और वो मेरी छोटी से बाबू मेरे मामा की बेटी। पापा को तिलक लगा रहे हैं पंडित जी। ये मेरे छोटे भाई हैं दोस्तों। ये मेरे मौसी के लड़के हैं। ये मेरी माँ मौसी तिलक लगा रही है। देखिए मेरे मेठी कितनी खुश है। वो मेरे मामा की लड़की है। बहुत प्यारी और बहुत अच्छी बने है मेरी। वो बहुत प्यार करती है वो हम सबको। मेरे नाना नानी साथ संकल्प कर रहे हैं। पापा भाई और मौसी साथ में बगल में हैं। पंडित जी के कहना है कि पहले बड़े बुजुर्ग घर का संकल्प करेंगे फिर जो है बाद में जितने भी छोटे हैं सभी करेंगे। ये शुभ माना जाता है और ये हमारे घर की परंपरा भी है और ये पुरानी सभ्यता चली आ रही है पूर्वजों की कि हम कोई भी शुभ कार्य करते हैं दोस्तों तो हमारे बड़े बुजुर्ग का साथ होना अति आवश्यक है। इनके बिना तो हमारे घर के कोई कार्य ही नहीं हो सकता है। आजकल तो समाज में न जाने ऐसी रीति रिवाज बहुत कम देखने को प्राप्त होती है लेकिन हम सब अभी भी इस परंपरा को मानते हैं और सम्मान करते हैं दोस्तों और करना भी चाहिए। कहते हैं ना कि यदि बड़े बुजुर्ग का प्यार और आशीर्वाद आपके परिवार पे बनी रहे तो शायद जीवन में आप काफ़ी आगे तरक्की कर सकते हैं और चाहे कोई भी मुसीबत हो संकट हो उससे आप पार कर सकते हैं। ये हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं और हमने फॉलो भी किया है। काफी कुछ बदलाव हमारे देखने को मिली है। ओम स्वस्ति श्रीमन महागणाधिपतये नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः। ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः। ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्याम नमः। ओम शची पुरंद्राभ्याम नमः।
मातृ पितृ चरण कमले भ्यो नमः, इष्ट देवता भ्यो नमः, कुल देवता भ्यो नमः, ग्राम देवता भ्यो नमः, स्थान देवता भ्यो नमः, वास्तु देवता। काफी लंबी वीडियो हो गई दोस्तों, उसके लिए आप सब से क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि आपकी कीमती और मूल्यवान समय नष्ट हो। लेकिन मैं काट के इसलिए नहीं दिखा सकता था क्योंकि इस वीडियो में संपूर्ण पूजा की जानकारी दी हुई है, ताकि आप सभी भी कभी जीवन में पूजा पाठ करें तो बिल्कुल सही नियम और जो भी हमारे शास्त्रों द्वारा बताई जाती है उस प्रकार से हमें पूरी करनी चाहिए। क्योंकि कहते हैं ना कि जीवन में मनुष्य को जब सुख शांति और स्मृति प्राप्त होती है तो ईश्वर को नहीं भूलने चाहिए, क्योंकि उनके ही आशीर्वाद और कृपा से हमें खुशियां प्राप्त होती है। इस वीडियो के माध्यम से ये आपको दिखाया गया दोस्तों कि हमें काफ़ी समय लग गई पूजा को संपन्न कराने में, लेकिन फिर भी हमने हिम्मत नहीं हारी और काफ़ी धैर्य और सहनशीलता से इतनी कड़ी धूप में बाबा बैद्यनाथ धाम के प्रांगण में हम सभी परिवार ने सच्ची श्रद्धा और भक्तिभाव से पूजा याचना की। पंडित जी सूर्य महाराज का ध्यान लगाने को कह रहे हैं क्योंकि वो सृष्टि के लगभग में पूजा दोस्तों संपन्न हो चली है और 5-6 मिनट लगभग हमारी पूजा को लगेंगे, फिर हम सब बाबा के धाम को दर्शन को चलेंगे। कभी दोस्तों आपको मौका लगे बाबा वैद्यनाथ धाम आने की आप जरूर आना, और जब भी आप आए तो हमारे इंस्टाग्राम पे मैसेज आप जरूर करना दोस्तों, या हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर करना, हम आपसे मिलने जरूर आएंगे और आपको अपने बाबा धाम के दर्शन हम खुद कराएंगे, आपको किसी भी तरह की समस्या यहाँ नहीं होने देंगे। यदि आपको लगे कि हमारा कोई जान पहचान का नहीं है तो आप एक बार हमें जरूर कमेंट में करना, हम आपसे मिलने जरूर आएंगे और आपको दर्शन करा देंगे। और दोस्तों एक बात मैंने आपको बताने ही भूल गया था कि बाबा धाम के पास में हमारा मकान पड़ता है, ज़्यादा दूरी नहीं है, तो इस वजह से जो है काफ़ी सुविधा होती है, हमारे नज़दीक भी पड़ते हैं और ये बहुत सौभाग्य की बात है कि हम बाबा बैद्यनाथ धाम के नगरी में रहते हैं। सावन के महीने में दोस्तों यहाँ इतनी सारी भीड़ होती है कि यहाँ तो बाबा का दर्शन करना बहुत दुर्लभ हो जाती है। Thank you.
खंडम चंद्रम दिव्यम ऐसे करते हैं। ओम श्री खंडम चंद्रम दिव्यम खंडाभ्यम सुमनोहरम विलेपनम सुमश्लेषा चंदनम प्रतिगतम इत चंदनम समर्पयामि ओम ब्रुवतः आवाहि सर्वदेवी देवताभ्यो नमः। संसार भावना मैं समर्पयामि यक्षतां समर्पयामि सूर्यादि प्रत्यक्ष देवताभ्यो नमः। सूर्यादि पंडित जी द्वारा भी चढ़ाते हैं। बाबा भोलेनाथ को काफी पसंद है। अष्टगंध कुमकुम चंदन और ये पुष्प जो गेंदा के पुष्प हैं राधा रानी पुष्प ये महादेव जी को बहुत पसंद है। बिल्व पत्र धतूरे और भांग भी बाबा को बहुत पसंद। ये सारी पूजा हमारे मंदिर प्रांगण में ही होती है दोस्तों, लेकिन भीड़ की वजह से हम वहाँ पहुँच नहीं पाए। 2 किलोमीटर दूर में ही हमें एक छोटी सी जगह पे जो खुला क्षेत्र था खुला मैदान उसमें हमें रुककर बाबा के नाम से पूजा अर्चना करनी पड़ी। पंडित जी का कहना होगा कि कोई बात नहीं है आप बाबा का नाम से यहीं सारा पूजा कर लीजिए और मंदिर प्रांगण में जब आप पहुँचेंगे तो बाबा को जल अर्पित कर दीजिएगा और यदि समय मिले भीड़ में तो आप फूल पत्र नैवेद्य उनको अर्पित कर दीजिएगा और ना भी मिल सके तो बाबा तो जल में ही खुश हो जाते हैं। वो कहते हैं ना कि महादेव तो बोले भंडारी हैं, तो एक लोटा जल में ही खुश हो जाते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों लाइक शेयर कमेंट करना भूलना नहीं और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना और ये बताना कि वीडियो में और क्या क्या चीज़ आपको अच्छी लगी और किस प्रकार से वीडियो को बनाया जाए ताकि दोस्तों आपको भी अच्छा लगे। मैक्स हमारे साथ नहीं आया दोस्तों क्योंकि हम पूजा करने यहाँ आए हुए थे और जगह भी नहीं बची हुई थी तो घर में वो रहे रख दिया मैंने उसे और हमारे फैमिली मेंबर के भी एक सदस्य हैं जो मैक्स को देखभाल कर रहे हैं। हम सब घर जाएंगे तो वो फिर खूब परेशान करेगा हम सबों को कि मुझे क्यों नहीं लेके गया। नेक्स्ट वीडियो में जब चलेंगे दोस्तों तो फिर आपको मैक्स की बहुत अच्छी अच्छी वीडियो देखने को मिलेगी। यह अंतिम और आखिरी वीडियो थी जो मैं आपको दिखाना चाहता था। ये मेरे परिवार की बहुत बड़ी खुशी की बात थी और इस खुशी को हम बहुत क्या बताएं दोस्तों आपको शब्द नहीं हमारे पास कहने को। बस हमारे पास एक यही वीडियो एक माध्यम था अपनी खुशियों को दिखाने का। पूजा लगभग संपन्न होने को चलिए। बाबा विश्वकर्मा देव की परिक्रमा हो रही है। अभी आप ध्यान से देखना दोस्तों बाबा को भोग लगाया जा रहा है। ये अंतिम भोग है बाबा के लिए।
बाबा को जल अर्पित करते हुए। वो कहते हैं ना कि भगवान भाव के भूखे होते हैं दोस्तों, भगवान नैवेद्य ग्रहण करते नहीं हैं, वो तो बस ये देखते हैं कि भक्त कितने कोमल और निर्मल हृदय के हैं। उन्होंने तो सारी सुविधाएं हमें दी है, हम उन्हें क्या दे सकते हैं दोस्तों, कुछ भी नहीं, तो सिर्फ भाव के भूखे हैं। वो कहते हैं ना कि एक तो भक्त है जो लाखों हीरो जवाहरात चढ़ाते हैं, अरे एक भक्त है जो मेरे लिए आंसू भी बहा देते हैं दोस्तों। तो वो भक्त देखिए मेरे नानी को सब कुछ हो रहा है दोस्तों, ये बाबा जी के साथ यहाँ सभी पा गए हैं, जो जिस बात की डर थी वही हो गया। माँ मेरी पैर पकड़ पूछ रही है, पूछ रही है कि बाबा कुछ हो गया क्या? बाबा बहुत खुश हैं, इतनी लंबी वीडियो बनाने का कोई पर्पस नहीं थे दोस्तों, बस ये मैं आपको दिखाना चाहता था कि देखिए हमने कितनी प्यार और भक्ति भाव से बाबा की पूजा याचना करने आए थे, और बाबा हमें साक्षात नानी के शरीर में आके आशीर्वाद दिए और कहे बहुत हम प्रसन्न हैं, बहुत हम खुश हैं कि आप लोगों ने इतने बड़े प्यार और भाव से पूजा याचना की, हम बहुत प्रसन्न हुए। बस बाबा हम सबको आशीर्वाद देने के लिए आए थे, कुछ पल के लिए नानी के हमारे शरीर में रहेंगे बाबा, फिर जब भी मेरे नानी दंडवत करेंगे तो फिर बाबा अपने धाम को चले जाएंगे। बाबा से कुछ हम सब पूछ पाते, कुछ कह पाते, उतने समय हमें नहीं मिली। नानी को विश्राम करने को दिया गया दोस्तों, क्योंकि जब उनके शरीर पे बाबा आते हैं ऐसा उनके शरीर में बहुत काफी भर हो चुकी है, जब भी कभी कोई पूजा पाठ और हवन या किसी देवी गीत आसपास में होती है तो उनके शरीर में वो आ जाते हैं, पता नहीं ऐसा क्यों होता है। तो बहुत हमने जानने की कोशिश की तो हमारे पंडित जी ने बताया कि जो पवित्र आत्मा होती है ना, जो शुद्ध आत्मा होती है, जो कभी किसी को बुरा नहीं चाहती, वो सबका अच्छा सोचती है, तो उनके शरीर में भगवान साक्षात आते हैं। काफ़ी लोगों को तो ये जुब्बा भी लगेंगे कि ये बिल्कुल मिथ्या नहीं, ये मिथ्या बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। इतनी लंबी वीडियो दिखाने का बस एक ही पर्पस था कि आप देखें कि संसार में आज भी भगवान है, लोग नहीं मानते हैं कि भगवान नहीं है, लेकिन हम मानते हैं दोस्तों, इन्हें अपने घरों में देखा है, हमारे भी जीवन में काफ़ी दुख और संघर्ष हमारी जिंदगी बीती है दोस्तों। आज यदि हम सबों के पास इतनी सारी खुशियाँ हैं तो बस वह है कि हमारे अच्छे विचार और अच्छे कर्म की वजह से। तो मैं भी चाहता हूं दोस्तों कि आप भी अपने कर्मों को इतना अच्छा बनाइए कि दुनिया देखे आपके कर्मों को। और आपके पास भी सारी खुशियां हो, आपके कदमों में सारी खुशियां हो, आपके कर्म और मेहनत की वजह से। देखिए मेरे नानी की स्थिति पूरा कमजोर हो गई है, वो आई हैं बाबा को नमन करने के लिए। बाबा को विदा करते हुए अब हम सब दोस्तों चलेंगे बाबा का दर्शन करने के लिए। ये पूजा हमारी संपन्न हुई और वीडियो दोस्तों कैसा लगा आप सबों को कमेंट में जरूर बताइएगा, और आगे आने वाले समय में आपको बहुत अच्छे अच्छे और मनोरंजन वाली वीडियो देखने को प्राप्त होगी। ये मेरी पूजा का अंतिम वीडियो थी दोस्तों, आपका काफ़ी समय बर्बाद हुआ इस वीडियो में को देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आप अपना प्यार यूँ ही हम पर बरसाते रहिएगा, और कभी मौका लगे तो आप हमारे बाबा धाम के प्रांगण में आइए, मेरे छोटे भाई
को बाबा जी कलाई बांधते हुए, फिर अच्छा सूत्र भी हम इन्हें कहते हैं। मेरी बहन, छोटी बहन साथ में बैठ के मस्ती कर रही है। आखिरी संकल्प बाबा के धाम को जाने के लिए, ताकि हम सब बाबा का दर्शन कर पाए। और अंत में एक बात दोस्तों, जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाई आ जाए, कितनी भी संघर्ष करना पड़े, हमेशा आप मुस्कुराते हुए रहिए, क्योंकि हमारे नाना नानी कहते हैं कि मुस्कुराते हुए इंसान बहुत अच्छे लगते हैं, उदासी कभी उनके चेहरे पर नहीं आना चाहिए। जो उदास रहते हैं दोस्तों, वो जीवन में काफ़ी दुखी और संघर्ष करना पड़ता है उन्हें। खिलाफ हमेशा खुश रहिए, चाहे कितनी भी दुख हो, सुख तो एक दिन मिलना ही है दोस्तों।